आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीरीज 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा फोर शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा जो भी हमारा क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ये नरेशन पर बेस्ड हम यहाँ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और याद रखिएगा नरेशन का ये पार्ट जो हमारा लास्ट रहेगा, इससे पहले जो भी क्वेश्चन आए थे वो सब डिस्कस कर दिए गए हैं। टोटल जितने भी 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे वन बाई वन करके डिस्कस कर रहे हैं। तो ठीक, तो चलिए यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टीचर आस्क, तो देखिए आस्क के साथ इफ आ गया। हमें पता है आस्क के साथ जब इफ लगा होता है तो हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव कर रहा होगा। ठीक, और यहां आस्क मी का यहां क्या होना चाहिए था, सेड टू मी को, सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क में कन्वर्ट करते हैं। और इफ कब लगाते हैं, जब सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब हम कॉमा नोट कॉमा को हटाकर इफ लगाते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है, ये लिखा है पास्ट परफेक्ट में, और हम सबको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हैं किस में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, और पास्ट इंडेफिनिट का अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, सबसे पहले शुरू होती है किससे, डिड आएगी, उसके बाद आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का बेसिक रूल होता है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि पहले क्वेश्चन में सेड टू होना, यहां जो आएगा सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेड टू भी होना चाहिए, द टीचर सेड टू मी होना चाहिए, और डिड के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, और इफ यहां से हट जाएगा, यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। ठीक, जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देखिए यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर उल्टा करके लिख दिया गया है, तो चलिए लास्ट से ही चेंज कर देंगे। देखिए द टीचर सेड टू मी, ठीक है यहां सही है, द टीचर सेड टू मी यहां पर भी सही है, द टीचर सेड टू मी यहां पर भी सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी यहां पर, इसका मतलब कि ये लास्ट वाला पोर्शन जो है सभी में सही है। अब हमें देखना है डिड के बाद सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो देखिए डिड के साथ ये सब्जेक्ट आया, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा सही चल रहा है। ठीक, अभी अदर को भी चेक कर ले रहे हैं, डिड के साथ देखिए यहां सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैड लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हैड लगा के सेकंड फॉर्म नहीं आता, बल्कि डिड के साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, इसलिए बी नंबर तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। फिर देखेंगे सी नंबर पर डिड के साथ देखिए सासा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और डी में देखेंगे डिड के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई सीन, तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट। डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि केवल आया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे बी आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए कुछ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु इज इट, ठीक, विक्रम आस्क्ड हिज यूफोरिया फैडिंग। अभी देखिए ये क्वेश्चन अजीब टाइप का, बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं होगा कि नरेशन में सॉल्व करते समय ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसका क्या बनेगा क्या नहीं। ठीक, तो अभी एक चीज़ याद रखिए कि जब क्वेश्चन कुछ ना समझ में आए तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा माइंड लगाइएगा आप सब। ठीक, देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या गया, हु आ गया, हु के बाद क्या है यहाँ पे, इज आया है, उसके बाद इट आया है, तो याद रखिएगा हु हमारा जो है ना, ये हमारा हु जो आया है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ साथ ये कंजंक्शन भी बनेगा। ठीक, तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हु के बाद याद रखिएगा हु लिखने के बाद इट पहले चला जाएगा, इस बाद में चला जाएगा, तो इट को पहले कर दीजिए और इज एमआर का पास्ट फॉर्म क्या बनता है, वो बनता है वॉज। तो देखिए कौन से ऑप्शन में हु इट वॉज आया है, इसी को केवल ध्यान से देखिए, तो हु इट वॉज ऑप्शन में कहाँ आया है, तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में देखिए आया हु इज इट आ गया, तो हु इज इट का हु इज इट हो गया, तो ये तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। और फिर देखिएगा हु वॉज इट आया, तो हमें पता है कि हेल्पिंग वो सब्जेक्ट हु जो होता है कंजंक्शन बन जाएगा और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट डायरेक्ट आता है, हेल्पिंग पर नहीं आती, तो यहाँ वॉज पहले हो गया, इट बाद में हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट। इट पहले आना चाहिए, वॉज बाद में आना चाहिए। और देखिए ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे सी में देखेंगे हु इट इज आ गया, तो हमें पता है हु के बाद इट तो आएगा लेकिन इज नहीं आएगा, इज का पास्ट फॉर्म वॉज आना चाहिए, क्योंकि आगे यहाँ देखिए सेंटेंस क्वेश्चन में दिया है आस्क्ड, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा पास्ट में चल रहा था। ठीक, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, एक ही बचा है जहां पे आया हु इट वॉज आया है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल आस्क्ड मी। अब हमें पता है कि सेड टू का होता है क्या, आस्क्ड, लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से ही आ गया आस्क तो कोई बात नहीं, आस्क का आस्क ही रहेगा। अब आगे का देखिए क्वेश्चन क्या है, आर देखिए सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, आर से, तो हमें पता है आर से जब सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आर तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस शुरू होता है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। ठीक, इसका मतलब इफ होना चाहिए, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब पहले आई है सब्जेक्ट बाद में, तो सब्जेक्ट पहले जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी, तो वी को हमें चेंज करना है। अब यहां देखिए क्वेश्चन में आ गया वी, तो हमें पता है कि वी अगर राहुल ने अपने लिए बोला होता तो आई बोलता, लेकिन अगर वी बोल रहा है तो ये राहुल अपने लिए भी और मी, मतलब राहुल अपने लिए भी बोल रहा है और मी के लिए, दोनों के लिए। और हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर थर्ड पर्सन और सेकंड फर्स्ट पर्सन अगर एक साथ आते हैं तो इन दोनों का कॉमन प्रोनाउन क्या माना जाता है, वी, इसका मतलब वी का वी ही ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात यह है कि सेंटेंस में इज एम आर आया है, तो हम सबको पता है कि इज एम आर का जो पास्ट फॉर्म होता है वॉज या वर, तो पहले वॉज वी होना चाहिए
और वी के साथ याद रखिएगा इज एम आर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, वॉज एवर में, चूंकि वी प्लूरल है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, वर भी आना चाहिए। तो ये दो पॉइंट हमें क्या करना है, याद रखना है कि कहाँ पे है। और दूसरी बात आ गया, हाँ चलिए इतना हो गया, तो हमें ये दो पॉइंट पहले देखना है कि वी के साथ वर कहाँ पे आया है। तो पहले वाले देखिए ऑप्शन में क्या है, राहुल आस्क्ड का आस्क आ गया, दैट लगा दिया गया, ठीक है, ठीक, अच्छा दैट लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि आंसर में मी भी दिया है, यहाँ मी तो मिसिंग है, जब मी ऑप्शन मिसिंग है तो आगे हमें पढ़ना ही नहीं, ठीक। और दूसरी बात यहाँ आर का आर ही लगा दिया गया, कई इसमें गलतियाँ हैं, तो ये तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। बी में देखेंगे राहुल आस्क्ड मी, तो ठीक है मी आ गया। फिर हमें पता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दैट नहीं लगाते, इफ लगाते हैं, तो यहाँ दैट लग गया, इसलिए भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। फिर सी में देखेंगे आस्क मी का आस्क मी हो गया, ठीक है, लेकिन फिर से दैट लगा दिया गया, तो हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज हम सब नहीं करते। अब एक ही ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन नंबर डी, देखिए आस्क आस्क मी हो गया, मी का मी हो गया, इफ भी हो गया, वी के साथ वर भी लगा दिया गया, यही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी आंसर के हमारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रीतम सेड, प्रीतम ने कहा द प्रिजनर हैड स्लेप्ट, कि जो प्रिजनर जो कैदी था वो सो गया था थ्रू आउट, मतलब सोता रहा थ्रू आउट द जर्नी, मतलब पूरी यात्रा के दौरान, ठीक। अब इसमें देखा जाती है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान, अगर ध्यान से देखें, पहले देखिए प्रीतम का सेड आ गया, तो सेड का सेड ही आंसर में भी आना चाहिए, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देखिए जब सेंटेंस की स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस होता है, अगर उसकी स्टार्टिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है, तो हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए हैड के साथ आ गया क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें पता है कि अगर सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो उसमें नो चेंज, वो जैसे होता है वैसे लिख दिया जाता है, और थ्रू आउट द जर्नी ये तो कुछ उसमें चेंज करने के लिए है ही नहीं, तो सेम टू सेम रहेगा। इसका मतलब केवल दैट लगाना है और कुछ इस सेंटेंस में करना ही नहीं है। तो देखेंगे सेंटेंस, पहला ऑप्शन कह रहा है प्रीतम सेड का सेड आ गया, देखिए दैट लग गया, और प्रिजनर का प्रिजनर आ गया, अब हैड के बाद देखिए, अब उस क्वेश्चन में क्या आ गया, हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म होता है तो हैड बीन के साथ आईएनजी आप नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया है तो हैड के साथ थर्ड ही फॉर्म लिखना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में देखेंगे सेड का सेड आ गया, दैट लगा दिया गया, प्रिजनर का प्रिजनर आ गया, और हैड के साथ देखिए स्लीप क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें पता है साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन सी में देखेंगे हैड प्रीतम सेड का सेड आ गया, दैट लगा के प्रिजनर के साथ प्रिजनर आ गया, हैड के साथ स्लिप्ट का स्लिप्ट आ गया, थ्रू आउट द जर्नी का थ्रू आउट द जर्नी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। लेकिन डी में भी देख लेना क्या प्रॉब्लम है, देखिए सेड का सेड आ गया, दैट लगा के प्रिजनर का प्रिजनर आ गया, हैज, तो हमें पता है कि हैज का हैड होता है लेकिन हैड का हैज नहीं होता, इसलिए हैड का हैड ही होता, यहां हैज लगा दिया गया था, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा, हमारा रिजेक्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी रहेगा सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर से क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सी सेड टू हर मैड, उसने अपनी नौकरानी से कहा, क्या कहा उसने, कि क्लीन द यूटेंसिल्स, की बर्तन को साफ कर दो प्रॉपरली, मतलब अच्छे तरीके से, ठीक। इसका मतलब यहां जो क्लीन क्या है, अच्छा देखिए सेंटेंस हमारा किससे शुरू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, क्लीन क्या है एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है तो होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड एडवाइस ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक। इसका मतलब देखिए यहां पे आप कह रहे हैं कि सी सेड टू हर मेड उसने अपनी नौकरानी से कहा, तो अब इसका मतलब सी क्या है, ये मालिक हो गई, मतलब ये मालकिन हो गई, और मेड क्या है, उसकी नौकरानी हो गई, तो मालकिन अगर नौकरानी से कहेगी तो उसको आदेश ही देगी, ठीक। तो इसका मतलब कि सेड टू को हटाकर हम इसमें क्या कर देंगे, या तो लिखेंगे ऑर्डर्ड या तो लिखेंगे कमांड, दोनों ही सेंस होता है, वैसे ऑर्डर को हम प्रेफरेंस देते हैं, बट दोनों मान लीजिए कमांड या ऑर्डर होगा, तो चलिए मान ले रहे हैं यहां पे। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाना पड़ेगा, टू, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या लगाते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर हम टू का यूज करते हैं। तो पहले देखेंगे ऑप्शन आया कहां पे, देखिए सी का सी आ गया, यहां ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर सी ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया हर मेड अपने मेड को, अपनी नौकरानी को, और किस लिए, टू क्लीन, साफ करने के लिए द यूटेंसिल्स, मतलब बर्तनों को प्रॉपरली, मतलब अच्छे तरीके से। तो देखा जाए तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, अगर बिल्कुल सही है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा तो यहां आंसर पहला ही हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं अदर ऑप्शन रॉन्ग क्यों है। देखिए सी का कमांडर, चलिए मान ले रहे कमांड का मतलब भी आदेश हो गया, उसने आदेश दिया हर, मतलब उसको, हर मेड अपने नौकरानी को। अब देखिए यहां दैट लगा दिया गया, तो हमें पता है कि दैट का यूज हम इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं करते, और काइंडली का यूज तो बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक। तो यहां पे टू का यूज करना था, दैट काइंडली वाइंडली कुछ नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो रिजेक्ट हो गया। सी में देखेंगे तो ऑप्शन, देखिए यहां आया है वर्ब क्वेश्चन में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सेड टू, जब ऑप्शन में क्वेश्चन आया है सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो प्रेजेंट डेफिनिट में ऑर्डर्स नहीं करेंगे, ऑर्डर्ड होता तो सेंटेंस सही हो जाता, यहां प्रेजेंट डेफिनिट का यूज कर दिया गया, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा रिजेक्ट हो गया। और देखिए कमांड्स, यहां पर भी प्रेजेंट डेफिनिट रूल कर दिया, चूंकि क्वेश्चन हमारा सेकंड फॉर्म में है, पास्ट डेफिनिट में, तो आंसर हमारा प्रेजेंट डेफिनिट में ही बनेगा, वो भी पास्ट में ही बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या रहेगा, यहां पे राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रवि सेठ, रवि ने कहा आई मे सेल दिस साइट टाई, क्या मैं इस टाई को सेल कर सकता हूँ। ठीक, अब इसमें हम देखिए इसमें आंसर क्या बनेगा। तो देखिए सेठ के बाद टू तो नहीं आया है, तो इसका मतलब सेठ का क्या होना चाहिए, सेठ ही होना चाहिए। और देखिए कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद जो सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है वो आई, आई क्या है सब्जेक्ट, जब सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं हम, दैट लगाते हैं। उसके बाद मे, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है तो मे का हम क्या लिखते हैं, मे का हम सब लिखते हैं माइट लिखते हैं। ठीक, इसका मतलब यहाँ सेठ, तो देखेंगे ऑप्शन किसमें मैच कर, रवि सेठ, रवि सेठ, रवि सेठ, रवि सेठ, सब में किया गया है। दैट भी क्या लगाया गया है, सब में दैट लगाया गया, यहाँ तक बिल्कुल सही है। फिर आई बदलेगा रवि के अकॉर्डिंग, तो यहाँ ही आएगा, तो ही भी ऑप्शन में देखिए लगभग अच्छा ही आ गया, ऑप्शन सी में आई हो गया, इसलिए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक, और ऑप्शन सी में डी में भी क्या ही आ गया, तो यहाँ तक सही है। अब आना चाहिए माइट, और देखिए पहले में आ गया मे, तो मे की वजह सेंटेंस रिजेक्ट हो गया, दूसरे में माइट आ गया तो सेंटेंस राइट हो गया, और तीसरे में देखिए फोर्थ में आ गया शुड आ गया, तो हमें पता है मे का माइट होता है शुड नहीं होता, ये भी ऑप्शन क्या हो गया रिजेक्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिरांडा, मिरांडा सेड टू हर टीचर, मिरांडा ने अपने टीचर्स कहा कि आई वॉज सिक फॉर अ डे, कि मैं एक दिन से बीमार थी। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो यह भी सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, ये हमारा डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए मिरांडा का मिरांडा, अब देखिए सेंटेंस का सेंटेंस स्टार्टिंग किससे, वो सब्जेक्ट से होता है, तो हमारा सेंटेंस असर्टिव होता है, असर्टिव में सेड टू को हटाकर क्या करते हैं हम सब, टोल्ड करते हैं, तो पहले तो यहाँ टोल्ड होना चाहिए। ठीक, दूसरा यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए। ठीक, और आई जो बदलेगा मिरांडा, मिरांडा को अगर फीमेल मानेंगे तो शी होगा, अगर वो मेल होगा तो वहाँ पे ही, लेकिन चलिए मिरांडा सुनने में फीमेल लग रहा है नाम, तो यहाँ शी कर दे रहे हैं। ठीक, और हम सबको पता है कि वॉज कभी भी सेंटेंस में अगर क्या आ जाए, वॉज आ जाए या फिर क्या आ जाए, वर आ जाए, तो वॉज वर का जो हम टेंस चेंज करते हैं आपका नरेशन में, तो उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं हम सब, हैड बीन में। ठीक, तो वॉज वर को किस में कन्वर्ट करते हैं, हैड बीन में। अब देखना है कि हैड वॉज के स्थान पे क्या आना चाहिए, हैड बीन भी आना चाहिए। अब ये सारी कंडीशन आइए मैच कराते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आ गया मिरांडा टोल्ड आ गया, तो टोल्ड सेट टू का टोल्ड हो गया। ठीक है, हर टीचर अपने टीचर से कहा, उसने दैट लगाया गया, सही है यहाँ पे। और दूसरे में देखेंगे तो मिरांडा टोल्ड हर टीचर दैट, ये भी यहाँ तक संडे सही है। ऑप्शन सी देखेंगे टोल्ड हर टीचर दैट, यहां पर भी सेंटेंस सही है। और ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी भी, यहां दैट तक सभी सेंटेंस सही है। ठीक, और फिर देखिए सी भी सभी में क्या है, सेम ऑप्शन चल रहा है, तो यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब क्या आना चाहिए, वॉज वर्क के स्थान पे आना चाहिए हैड बीन, तो यहां देखिए हैज बीन आ गया, इसलिए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, यहां इज आ गया इसलिए रिजेक्ट हो गया, यहां वॉज आ गया इसलिए रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर एक ही है जिसमें हैड बीन आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपका 2023 में पूछा गया, जो भी नरेशन पे जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, जो पूछा गया था। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नंदनी सेड, अब देखिए सेड के बाद टू नहीं आया, इसलिए सेड का सेड ही होना चाहिए। और सेंटेंस का देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा है, चूंकि यहाँ आई आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट से जब सेंटेंस शुरू होता है तो कॉमा इनवर्टेड को हम हटाकर हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ठीक, और दूसरी बार आई जो है नंदनी के अकॉर्डिंग होगा, तो नंदनी चूंकि फीमेल है तो यहाँ क्या होना चाहिए, शी होना चाहिए। अब आगे क्या आ गया, बॉट, बॉट क्या है, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हम सबको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होता है, जब होता है क्वेश्चन में, इसको जब हम चेंज करते हैं तो इसको हैड लगाकर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो पहला चेंज ये आएगा, और दूसरा देखिए क्या है, लास्ट में है यस्टरडे, तो यस्टरडे अगर आता है तो इसको हम कन्वर्ट किस में कर देते हैं, द प्रीवियस डे में, या फिर द डे बिफोर। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे अब सभी ऑप्शन में, तो हमें देखना है जितने भी ऑप्शन है, हमें देखना है कि वर्ब के सेकंड का स्थान पे क्या होना चाहिए, हैड लगा के होनी चाहिए वर्ब के थर्ड फॉर्म, और यस्टरडे का स्थान पे या तो होना चाहिए द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर होना चाहिए। ठीक, ये दो में इसको एक ऑप्शन, आइए देखते हैं ऑप्शन में। देखिए नंदनी सेड का सेड हो गया है, तो देखिए इतना सभी में ऑप्शन सेम चल रहा है, नंदनी सेड आ गया तो सेड आ गया, तो सेड इसमें भी है, सेड इसमें भी है, और इसमें सेज आ गया, जब क्वेश्चन में सेड है तो सेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे रिजेक्ट हो गया। अब क्या आना चाहिए, दैट लगाना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन ए में दैट लगाया ही नहीं गया, इसलिए ऑप्शन ए यहीं पर रिजेक्ट हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए बी में दैट लगा दिया गया, और सी में भी देखिए दैट लगा दिया गया। अब आगे क्या आएगा, फिर से सी दोनों में आ गया है, अब आना चाहिए हैड लगाकर क्या आना चाहिए, वर्ब की आना चाहिए थर्ड फॉर्म, तो देखिए हैड लगा के थर्ड फॉर्म इसमें भी आया है, डी में भी है, और सी में दोनों में आया है। अब क्या आना चाहिए, लास्ट में यस्टरडे का होना चाहिए प्रीवियस डे, तो देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है द प्रीवियस डे किया गया है, इसलिए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ यस्टरडे का यस्टरडे ही कर दिया गया है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी बी होगा, बी ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो मे बी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ सी एच एस एल के जो एग्जाम में जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो नरेशन पे बेस्ड थे, तो मे बी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा।